नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी मौसी। लाल कुआं के स्टेशन से धूमिल पर्वत श्रेणियों का बिखरा वैभव देखकर मिसेज बेदी की आंखें सहसा भर आईं। कितनी प्यारी लग रही थी वे पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां। इन्हीं को देखने वे पूरे 15 वर्षों से तड़प रही थी। फकफक धुआं छोड़ती दो दो इंजन जुड़ी रेल उन्हें नैनीताल के जितना ही निकट ला रही थी, उतने ही वेग से उनका कलेजा धक धक किए जा रहा था। क्या पता कक्का उसी दिन की तरह चोटी पकड़कर कमरे में पटक दे। पर अब बेचारी चोटी ही कहाँ थी, अपने फर्स्ट क्लास के कूपे में अकेली ही थी वे। इसी से जोर से हंस पड़ी। चटपट उन्होंने कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा। उफ, हल्द्वानी आता ही होगा। आईना निकालकर अपने चेहरे पर स्वयं ही तरस आ गया। रास्ते की थकान से पीला सा चेहरा जरा सा निकल आया था। फेदर कट कटे बालों की रूखी अलकें हवा में उड़कर इधर उधर बिखर गई थी। उन्होंने बालों को ब्रश से संवारा, सूखे होठों पर लिपस्टिक फेरा और बिस्तर लपेटने लगी। असाधारण व्यक्तित्व था मिसेज मनमोहन बेदी का। आर्मी क्लब के मेजर जनरल दामले ने उनको नाम दिया था सोफिया लॉरिन। उनका रंग गेहुआ था किंतु आंखें थी गहरी नीली, जिनके लंबे घने पक्ष में झुक झुक कर स्वयं ही ऊपर को उठ गए थे। उनके सदा हल्के से खुले रहने वाले अधर पुटों से झांकती उनकी अनारदाने सी दंत पंक्ति उनके पतले से चेहरे के पीलेपन को और भी उभार देती। इधर उनकी अवस्था ने उनके सौंदर्य को और भी अलस बना दिया था। लेडी डॉक्टर ने उन्हें चलते समय बुरी तरह सहमाया था। हद है मिसेज बेदी, इस हालत में इतनी दूर का सफ़र, कभी भी आपको दर्द उठ सकते हैं, कहाँ फिरोजपुर और कहाँ नैनीताल। पर मिसेज बेदी सिगरेट का कस खींचती मुस्कुराती रहीं और उसी शाम अपने भारी भारी 2 सूटकेसों में कपड़े ठूंसकर पहाड़ के लिए चल दी थी। चलते समय वे न सास से मिल पाई न ससुर से। मिलकर करती भी क्या, सास ब्रिज खेलने क्लब गई थी और ससुर कहीं कॉकटेल पार्टी में थे। उनके ससुराल की हवेली एक बहुत बड़ी सराय ही तो थी। कब कौन आया कब कौन गया किसी को पता नहीं रहता। इसी से मिसेज बेदी ऐसी अवस्था में भी भागकर निकल आई थी जिससे उनकी चौथी संतान पर उनके ससुर कुल के पाप की छाया न पड़ जाए। गर्व से मस्तक उठाए हिमालय का साया उनके अजन्मे शिशु को चूम ले, देवदार और मंदार के घनद्रुमों की छाया उनके दग्ध हृदय को शांति दे। काठ गोदाम से वे नैनीताल की बस में बैठी तो उन्होंने क्लांत आंखें मूंद ली। जी में आने लगा कि ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह गाने लगें। बस टूरिस्ट पारसी और बंगालियों से भरी थी। सब पहाड़ देखने एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे किंतु मिसेज बेदी दोनों हाथ गोदी में धरे मुग्ध दृष्टि से एक एक गिरी शिखर की सुषमा को आंखों ही आंखों में पी रही थी। एक एक मोड़ और घुरनी उनकी स्मृति की तहें खोली जा रही थी। नैनीताल आया तो वे चौंक गई। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सामान लगाया और बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ गई। मई का महीना था, नैनीताल अपने पूर्ण यौवन पर था। संध्या होते ही असंख्य डोगियां ताल के शुभ्र नीलाभ जल में तैरने लगीं और जूही बेला के गजरों की गमक से नैनीताल के ओर छोर सुवासित हो उठे। मिसेस बेदी को लगा कि ताल की ठंडी हवा ने उनके समग्र रोग शोक क्षण भर में ही हर लिए थे। एक बार भी उन्हें खांसी का दौरा नहीं पड़ा, वही खांसी जिसे सैनिटोरियम की हवा और दवा भी ठीक नहीं कर पाई थी। ठीक भी कैसे होती, मन का चैन उन्हें था ही कहाँ। मर्द मरीजों का पूरा झुंड ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। यहाँ तक कि स्वयं तरुण डॉक्टरों का दल भी बटन होल में पैंजी लगाकर उनके इर्द गिर्द भरोसा मंडराने लगा था। दोष उन बेचारों का नहीं, उनके अनोखे व्यक्तित्व का था। उनके जिस सत्यानाशी आकर्षण ने उनका घर द्वार छुड़ा दिया था, उसी ने सैनिटोरियम भी छुड़वा दिए। घर लौटी तो ब्रिगेडियर बेदी छुट्टियों में घर आए थे। मिसेज बेदी उसके आलिंगन के बंधन के जाल में फंसी मृगी सी छटपटा उठी थी।
गलित कुष्ठ से सड़ा कोढ़ी भी उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लेता तो शायद इतना नहीं सिहरती। ब्रिगेडियर बेदी 6.5 फुटा सरदार था। उसका चेहरा अजब चतुष्कोण के आकार का था। उसके खाकी साफे की पटियाला कलगी की एक एक भांज पत्थर की मूर्ति पर तरासी सी उभरी रहती। काली दाढ़ी और मूछों पर वह ना जाने क्या क्या प्रसाधन लगाकर वार्निश सी चमक दिए रहता। दाढ़ी के एक एक बाल को काले रेशमी तागे से बांधकर वह अपनी फौजी टुकड़ी के सिपाहियों की तरह ही अनुशासन में रखता। मजाल है कि एक भी बाल इधर से उधर हो जाए। तुर्रम मूछें ऊपर को उठाकर पतली होते होते सिगरेट के धुएं सी गालों के सीमांत तक पहुंचकर खो जाती। दोनों कदमों को एक दूसरे से सटाकर वह सदा एक आला फौजी अफसर की दर्शनीय चाल चलता। ब्रिगेडियर के चेहरे की एक एक रेखा निर्मम और क्रूर थी। पिछले 2 वर्षों से सरकार ने उसे नागा विद्रोहियों के दमन के लिए कहीं सीमांत पर भेज दिया था। उसके पहले 2 ब्रिगेडियरों के नरमुंडों की माला नागा सरदार पहन चुका था। अब मेरी बारी है, ब्रिगेडियर मिसेज बेदी से कहता और उनका हृदय तनिक भी आतंकित नहीं होता। ब्रिगेडियर उनके 2 बेटों का बाप था, पर फिर भी पति को देखकर घृणा से उनका अंग प्रत्यंग सिहर उठता। कभी इसी व्यक्ति के पीछे दीवानी होकर भूख प्यास मार लांछना सब भूल गई थी। आज कपूर की लौकी ही भांति उसके प्रेम की लपट उड़ गई थी। बेदी 7 दिन घर रहा था, पर उनके कमरे में सोया केवल 1 दिन। बाकी 6 दिन उसने 6 विभिन्न नारियों के संसर्ग में हंस खेल कर गुजार दिए थे, जिनमें से एक उसकी 18 वर्ष की नौकरानी भी थी। बेहया बेशर्म, वे क्रोध से दांत पीसती रही थी। यही बेदी था जिसकी चिकनी चुपड़ी बातों में उसने विवेक के दर्पण को चूर चूर कर दिया था। कक्का ने चोटी पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। सिसकती चाची ने आधी रात को चुपचाप ताला खोलकर उसे कितना समझाया था, बेटी शादी ब्याह अपने ही समाज का ठीक होता है, खबरदार जो अपनी पसंद की शादी की बात जवान पर लाई। उसे समझा बुझाकर काकी अपने कमरे में गई, तारो सो गई और वह रात के 2 बजे किस दुस्साहस से निकल भागी। बेदी उसके लिए ग्रैंड होटल में रुका था। विवेक भ्रष्ट होने में समय ही कितना लगता है। उसे लेकर वह फिरोजपुर पहुंचा और तीसरे ही दिन बड़ी धूमधाम से विवाह भी हो गया। 2 साल में उसके 2 बेटे हो गए, दलजिंदर और गजेंद्र सिंह बेदी। ससुराल के रंग ढंग उसे विवाह के 8वें दिन ही नज़र आने लगे। सास और ससुर दोनों पीकर थूत पड़े रहते। छोटी देवरानी घर के मुसलमान खानसामे के साथ पाकिस्तान भाग गई थी। आलिशान हवेली असंख्य नौकर और दासियों से भरी थी, किंतु उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। बेचारी मिसेज बेदी ओखली में सिर रख चुकी थी। अब मूसल से डरकर कर भी क्या लेती। उन्हें अपने घर की याद आती, जहाँ नींद टूटती थी काकी के शंख घोष की पवित्र ध्वनि से। संध्या को स्पष्ट स्वरों में गायत्री जाप करते उनके कक्का रुद्रदत्त पंत, और यहाँ नित्य सुबह होते ही बकरी के करुण क्रंदन से उनके ससुराल की हवेली गूंज उठती। उनके ससुर सरदार दलजीत सिंह नित्य उठकर बकरे की ताजी कलेजी खाकर चाय पीते थे। मिसेज बेदी का नाम था तिला। सुचिक्कन ठोड़ी पर विधाता ने एक काला सा तिल धर दिया था, उसी से काकी ने तिला ही नाम धर दिया था। तिला के पिता काठमांडू में लकड़ी का व्यापार करते थे। लकड़ी के ठेकों ने उन्हें 2 ही वर्षों में संपन्न बना दिया। एक ही पुत्री हुई थी, पत्नी को कुमायूं का राजयोग लग गया। मरते समय वह 3 माह की पुत्री को देवरानी की गोद में डाल गई। काकी की तारो उससे 1 माह बड़ी थी। बड़े दुलार से काकी दोनों को पालने लगी। तिला के पिता ने किसी नेपालिन से विवाह कर लिया, पर प्रत्येक माह वह पुत्री के नाम 200 रुपये भेजता। काकी सब रुपये बैंक में जमा करने लगी। जब तिला बड़ी हुई तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया। तिला के कक्का जंगलात में हेड क्लर्क थे, इसी से तारो मिडिल पास कर घर का काम सीखने लगी। पर काकी की लाडली तिला नीले अंग्रेजी लिबास में जर्मन नंस के स्कूल में पढ़ने जाती। 16 वर्ष में सीनियर कैम्ब्रिज पास कर तिला निकली तो काकी को उसके विवाह की चिंता हुई। कई रिश्ते आते पर काकी को कोई पसंद नहीं आता।
अरे जोशी जी का लड़का प्रमोद, वह भला क्या खाकर मेरी तिला को पालेगा, आखिर है तो स्कूली मास्टर ही, मेरी तिला को ICS मिलेगा। पर कुमाऊँ में ICS तब हाथिनी की संतान की भांति ही दुर्लभ थे। एकाध निकलते भी तो सनातनी कक्का के उच्च गोत्र प्रखर की परीक्षा में चित हो जाते। तारों के विवाह का प्रसंग उठा और जो भी उसे देखने आता तिला ही उसे बांध लेती। तारों का रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी और हंसी भुवन मोहिनी थी, पर तिला का सौंदर्य साधारण होकर भी असाधारण था। वह राजहंसिनी सी अपनी मराल ग्रीवा को अनोखी अदा से उठाकर चलती और तारों को काकी ने केवल झुकना ही सिखाया था। तारों का विवाह हो गया, उसके पति एक्साइज इंस्पेक्टर थे। उनका कद छोटा और मूछें छितरी सी थी, फिर भी चिकने से चेहरे पर ऐसा सौजन्य था कि काकी ने एकदम छांट लिया। वैसे आबकारी के इंस्पेक्टर ने बार बार त्रिसित दृष्टि से तिला को देखा था, पर वह जानता था कि उस ऊंची सजी दुकान पर पहुंचने के लिए वह एक छोटा सा बौना है। तारो ससुराल चली गई और तिला लखनऊ IT कॉलेज में पढ़ने लगी। काश तारो की ही भांति काकी ने उसे भी दुपट्टे से ढांप ढूंप कर ब्याह दिया होता। IT में ही उसे गुरचरण कौर मिली और चंदन के वृक्ष से सर्पिनी लिपट गई। गुरचरण भी सीनियर करके आई थी, वह एक बड़े बाप की बेटी थी। उपहारों से तिला को लाद दिया और वहीं उसके भाई मनमोहन बेदी से उसका परिचय हुआ। कब परिचय ने प्रेम और प्रेम ने विवाह का रूप लिया वह स्वयं ही नहीं जान पाई। इस प्रकार तिला धीरे धीरे मिटकर मिसेज बेदी बन गई। वह भी बित्ते भर के ब्लाउज पहन छोटी छोटी जीन्स से शरीर के उभार का नग्न प्रदर्शन करती पति के समाज में ना जाने कब उतर गई। दोनों बेटे जन्मते ही आया को सौंप दिए गए। एक पठानिन आकर उन्हें दूध पिला जाती। तिला ने विरोध किया तो सास बिगड़ गई। ये लो बहू, हमारे खानदान की किस बहू ने बच्चे को दूध पिलाकर अपना जिस्म तबाह किया जो तू करेगी। मुझे देख, मजाल है कोई 30 से ऊपर की बता दे। और सिरहाने किसी बुलंद ठोस इमारत से खड़ी अपनी सास को देखकर वह सहम जाती। उनका मातृत्व उसकी छातियों में ही सिमट कर रह गया। गजेंद्र और दलजिंदर पठानिन का दूध पीकर पूरे पठान बन गए। 8 वर्ष ही में उसकी धूर्तता का ओर छोड़ नहीं मिलता। अलमस्त बछड़े से वे जिधर चाहते सींग मारते थे। कभी गुलेल से सड़क की बत्ती का बल्ब चकनाचूर कर दिया, कभी राह चलते किसी राहगीर को लंगड़ी देकर गिरा दिया, और कभी दादा के हाथ से सिगरेट छीनकर कष्ट लगा लिए और दादा की मूछें ऐंठ ऐंठ कर कहते, ओ शाबा मेरे पुत्र, ओ शाबा मेरे बादशाह। न उन्हें माँ से लगाव था, ना माँ को उनसे। नैनीताल पहुंचकर मिसेज बेदी की पिछली जिंदगी पर पर्दा सा पड़ गया। ताल में एक सधी पंक्ति में तैरती बतकों को देखकर उनकी पिछली यादें ताजी हो गई। तारों के साथ वे ताल की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो जाती थी और कैसे दोनों कंकड़ मारकर उन बतकों में भगदड़ मचा दिया करती थी। वही ताल है और वही बतखें, वही तारों भी होती अकेली ही मर गई बेचारी तिला, जिसके नादान यौवन की क्षणिक फूल ने उसका एकदम ही गला घोंट कर रख दिया। अचानक तारों और काकी को देखने की तीव्र लालसा ने उसमें अदम्य साहस भर दिया। उसकी काकी की पावन गोद क्या किसी तीर्थ से कम थी? वहाँ पहुंचकर उसके सब पाप धुल जाएंगे। क्या पता उसकी अजन्मी संतान उसके प्राण ही ले ले और वह कभी काकी और तारों को देख ही ना पाए। किंतु कक्का, दुर्वासा के साक्षात अवतार, अपने कक्का के काल्पनिक क्रोध की लपटों में वह क्षण भर को झुलस सी उठी। पर फिर उसने अपना लंबा कोट लिया और रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा ने मल्ली ताल उतार दिया और वह थमक कर खड़ी रह गई। फिर धीरे धीरे चलती। बड़े डाकखाने की छत, आवागढ़ की कोठी, सब किसी जादू की छड़ी के तले बोलने वाली सजीव इमारतें सी हो गई। कोई पूछ रही थी, याद है हमारी इसी ढाल किनारियों पर तू तारों के साथ घुस घुसी खेलती थी? कोई कहती, कहाँ थी इतने दिन, देखती नहीं यह खुबानी का पेड़, इस पर चढ़कर तूने कितनी खुबानियाँ खाई थी? पथरीली सड़क के हर कंकड़ पर उसे ऐसी ममता उमड़ आई कि जी में आया उठा उठा कर चूम ले।
कहीं से पहाड़ी मसाले जम्बू में छौंके आलू के गुटकों की परिचित सुगंध आ रही थी। एक नल के पास चार पांच गोल गोल पहाड़ी बच्चे पानी की बौछारों से एक दूसरे को भिगो रहे थे। एक और पतली छड़ी पर अपनी ऊंची एड़ियों को साधे एंग्लो इंडियन मिसेज बीट उतर रही थी। तारो और तिला बहरी मिसेज बीट को चिड़िया की बीट कहकर चिढ़ाती थी और बुढ़िया कुछ नहीं सुन पाती, फिर भी हंसकर कहती, हेलो स्वीटी। मिसेज बीट ने देखा पर पहचाना नहीं। तो क्या वह इतनी बदल गई थी? अचानक घूमती घामती पगडंडी ने उसे खींच लिया। यह पगडंडी ठीक कक्का के घर के आंगन में उतरती थी, फिर घर भी आ गया। लाल छत का रंग फीका पड़कर उतर गया था। बाहर ऊंची ऊंची रस्सी पर काकी का पेटीकोट सूख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उस चांदनी रात में ओस में भीगा लटक रहा था जिस दिन वह भागी थी। कितने प्यार से वह चुपचाप उठाकर बरामदे में रख आई थी, जैसे वह निर्जीव पेटीकोट नहीं स्वयं उसकी प्यारी काकी ही ओस में खड़ी भीग रही थी। दाड़िम का पेड़ लाल लाल फूलों से लदा था। इन्हीं को तोड़कर कितनी गुड़िया की खटियां बनाई थी सीकों से जोड़ जोड़ कर। बाहर कोई भी नहीं था। मिसेज बेदी धुएं की कालिक से काली काट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे अभी भी याद था कि सीढ़ियां 27.5 थीं। आखिरी सीढ़ी एक बार अंगीठी धरने पर आधी जल गई थी और अब तक आधी ही थी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा कि उन्हें दोनों हाथों में कलेजा थामना पड़ा। घर की नई मनहूसी से वे स्वयं ही चौंक पड़ी। कहीं काकी को तो कुछ नहीं हो गया? वे डायबिटीज़ की पुरानी मरीज थीं और डॉक्टर ने कभी कहा था कि उनका बेशुमार मोटापा ही कभी उनका शत्रु होगा। पर सहसा काकी की तिब्बती घंटी का स्वर आया और उनकी पूजा का एकमात्र मंत्र जय राम रमा रमनम शमनम। काकी कहकर मिसेज बेदी उनसे लिपट गई। हाथ की घंटी नीचे गिर पड़ी। अपनी छाती पर अचानक आ गिरी तिला को देखकर वे चीख पड़ीं और फिर पागलों की तरह चूमने लगी। मिसेज बेदी ने आंखें खोली। काकी तुझे यह क्या हो गया? सफ़ेद मर्दानी धोती और नंगी कलाइयाँ देखकर वह रोने लगी। क्या हुआ कक्का को? तेरे जाने के बाद ही उन्हें खुनसा लग गया। कहाँ कहाँ पता लगवाया। किसी ने कह दिया तू किसी मुसलमान के साथ पाकिस्तान भाग गई है। बस उसी दिन से खाट पकड़ ली। हमारे ही खानदान का राजयोग ले गया उन्हें भी। काकी तारो? उन्होंने डरकर पूछा। यही है अभागी, लगभग एक महीना होने को आया है। चार छोकरियां जन्म कर जाती रहीं। इसी से अब के ससुराल वाले यहां पहुंचा गए कि शायद मायके में संतान जी जाए। उसके कुल में तो इष्ट का श्राप है कि एक भी संतान नहीं जिएगी। मंदिर गई है। ले आ भी गई, काकी ने कहा और सच तारो द्वार पर खड़ी थी। उसकी सुंदर मूर्खतापूर्ण आंखें फटी की फटी रह गईं और दौड़कर लिपट गईं। काकी ने झट से सांकल चढ़ा दी। चौबाई देख लेगी तो भेद लेने अभी आ धमकेगी, कहकर उन्होंने मिसेज बेदी को अपनी विशाल डनलोपिलो की सी गोदी में खींच लिया और बड़े प्यार से कटे बालों पर हाथ फेरने लगी। हाय राम, यह क्या गत बना ली है बालों की? हरिद्वार की जोगनी के से बाल कटा लिए तेने छोड़ी? सुहागिन के बालों में भी कहीं कैंची चलती है भला? सच री, कहीं तूने मुसलमान से तो शादी नहीं कर ली? अचानक उन्होंने मिसेज बेदी का सिर अपनी गोद से खिसका दिया। नहीं काकी, खिलखिलाकर मिसेज बेदी फिर मचलकर गोद में लेट गई। मेरे ससुर ने चार चार गुरुद्वारे बना दिए हैं। हाय मैं मर गई तो क्या सरदार है तेरा पति? काकी उनके चेहरे पर झुक गई। और क्या देखती नहीं कैसी सरदारनी हो गई हूँ मैं? तारो मुँह में आंचल ठूंसकर हंसने लगी। उसी दिन काकी ने उनका सामान मंगवा लिया और मिसेज बेदी के उजड़े चमन की बाहर लौट आई। तारो के साथ वह दही नींबू सानकर चटकारे लेती, कभी बासी रोटियों में पालक का साग धरकर दोनों उचककर बच्चियों सी खिड़की पर बैठ जाती और राह चलती भीड़ पर हंसी के छींटे मारती। हाय हाय देख प्रमोद तिवारी, हाय यह तो बूढ़ा ही हो गया री तारो। सच बेचारा प्रमोद एकदम ही झटक गया था।
बूढ़ा नहीं होगा तो क्या, 8 बच्चे हो गए हैं, नवा होने को है, तारो कहती। मिसेस बेदी इतनी ज़ोर से हंस पड़ती कि बेचारा प्रमोद मुड़कर ऊपर को देखता। दोनों डुबकी सी मारकर छिप जाती। अरे देख तेरी पुरानी सास, प्रमोद के जाते ही तारो मिसेस बेदी को फिर ऊपर खींच लेती। साथ में बहू भी है, देख रंग तो देख बहू का, लगता है मड़ुए की जली रोटी है। दुनिया भर की लड़कियों में मीन मेख निकालती थी बुढ़िया, आखिर में मिली ये सब्ज परी। शोक हरी साड़ी पहने घोर कृष्ण वर्णा बहू को लिए पंडिताइन जी ढाल पर स्टीम रोलर सी लुढ़क रही थी। इन्हीं के ICS पुत्र सुरेश पंत से कभी तिला के विवाह का प्रसंग भी जुड़ गया था। तरुण सुरेश की सजीली चाल को तारों के साथ तिला इसी खिड़की से मुग्ध होकर देखती थी, पर बुढ़िया ने प्रस्ताव खोटे सिक्के सा फेर दिया था। मेरा सूर्या तो ICS है, समधियाना भी देखना पड़ेगा। इसी से तो समधियाना ही मिला बुढ़िया को, रूप रंग नहीं, नहीं तो क्या आज तिला मिसेज बेदी बनती। हाय री, बुढ़िया तो और भी मुटा गई है, उन्होंने तारो से कहा। कहीं एक और ICS तो नहीं है पेट में? तारो हंसते हंसते खिड़की से नीचे धम से गिर पड़ी। हंसी का शब्द सुनकर काकी आ गई और धमक लगाकर बोली, ले उम्र हो गई पर अकल नहीं आई, ऐसी हालत और यहाँ मिलिट्री के जवानों की सी कूदा फांदी हो रही है। अरे छोरियों, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी। हाय काकी, बड़े प्यार से मिसेज बेदी उनके गले में हाथ डालकर कहा, मैं मर गई तो मेरी सास को तार जरूर कर देना, बुढ़िया 5-7 मनचले बुढ़ों को बुलाकर एक दावत दे ही डालेगी। तारो फिर खिखी कर दुखरी हो गई। हट मरी, जब देखो तब हंसी, सब पड़ोस में तेरे आने की खबर फैल गई है। आज तो मंगल है, कोई नहीं आएगा, कल देख लेना नैनीताल उलट पड़ेगा, काकी बोली। हाय राम, भगवान करे तारो हम दोनों को कल दिन भर दर्द उठते रहें। हुआ भी यही, दोनों पूरे दिन दर्द से तड़पती रहीं। काकी का बुरा हाल था, कभी एक के सिरहाने सतिया धराती, कभी दूसरी के। आधी रात को एक ही रोहिणी नक्षत्र में एक ही छत के तले दोनों ने एक एक कन्या को जन्म दिया। दाई ने बीच में एक चादर टांगकर व्यवधान रच दिया था। दर्दों के बीच भी मिसेज बेदी का परिहास रसिक चित मुखर हो उठता। हाय तारो, मेरी सास को तार करना मत भूलना बहन, कि बहू भगवान को प्यारी हो गई, वह हंसती और फिर दर्द से कराहने लगती। चुप कल मोही, भगवान का नाम ले, काकी धमक लगाती। और इसी धमक हंसी के बीच 10 मिनट के अनंतर दोनों कन्याएं जन्मी। सौर गृह के दिए के मंद प्रकाश में दोनों जच्चाएं सो रही थी। तारों के पास बड़ी सी डलिया में सोई थी उसकी नवजात कन्या, और तिला के पास धरी डलिया में सो रही थी उसकी कन्या। डलिया वही थी जिनमें कभी तारो और तिला सोई थी। तारो सो रही थी पर तिला के आंखों में नींद नहीं थी। पास ही टॉमस पादरी की मुर्गियां फड़फड़ा रही थी। बीच की चादर दाई हटा गई थी। तिला ने देखा तारो की खाट उसके कितने पास थी। तारो की बिटिया जो कभी अपने वंश के श्राप को झेलती चल देगी, और उसकी बिटिया जो अपने पिता के वंश के श्राप को झेलती जीती रहेगी। सहसा उनके दिमाग में बिजली का सा झटका लगा। उन्होंने अपनी बेटी को डलिया से उठाया, चूमा और लड़खड़ाते कदमों से तारों के पलंग की ओर चल दी। अपनी बेटी को तारों की बगल में लिटाकर बिजली की गति से उसकी बिटिया को गोद में उठा लिया। दोनों बच्चियां रोने लगीं और तारों हड़बड़ाकर जग उठी। अपने सिरहाने तिला को देखकर वह चौंक गई। तू यहाँ कैसे आ गई, उसने पूछा। आती नहीं तो क्या करती, सधे संयत स्वर में मिसेज बेदी बोली। तू बेखबर घोड़े बेचकर सो रही थी, वहाँ बच्ची डलिया में चीखे जा रही थी। ले उठ दूध पिला, इधर मेरी भी जग गई। तीसरे ही दिन मिसेज बेदी ने देखा उनकी छाती से लगी नवजात कन्या एकाएक ठंडी पड़ गई। तारों के पति वंश का श्राप क्या कभी मिथ्या हो सकता था? कितना अच्छा हुआ, तारो कभी जान भी नहीं पाएगी। महीने भर बाद जब वे घर जाने का सामान बांधने लगी तो काकी ने बहुत रोका, पर चाहने पर भी वे अब नहीं रुक सकती थी। कितने ही दिन छिप छिप कर वे गुसलखाने में
आधी चिलमची खून उगलकर बहा आई थी। लगता था मौत ने उनके बहुत पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। चलने लगी तो उनके प्रशस्त ललाट पर रोली का तिलक खींचकर काकी ने अक्षत धर दिए। आंचल आंखों पर धरकर वे बिखर पड़ी। मन ही मन वे जान गई थी कि सदा हंसने हंसाने वाली उनकी सदाबहार बिटिया अब कभी लौटकर नहीं आएगी। मिसेज बेदी दिल की पत्थर थी। बचपन में भी कड़ी से कड़ी चोट लगने पर भी वे सदा होंठ काटकर रुलाई रोक लेती थी। आज भी उनकी आंखें गीली नहीं हुई। तारों बुरी तरह सिसके जा रही थी। उसकी गोरी नाक रोने से लाल हो गई थी। गोद की बिटिया कुनमुनाने लगी। सिसकियों के बीच ही उसका स्वर आया, तू अब कब आएगी तिला? मिसेज बेदी लौटी। उनकी उदास निष्प्रभ आंखों में विषाद घनीभूत हो उठा। मुड़कर उन्होंने तारों के कंधों पर दोनों हाथ धर दिए। तारों मैं नहीं आ सकी तो अपनी इस बिटिया से कहना, इसकी एक मौसी थी जो वाष्प स्तंभित कंठ अवरुद्ध हो गया। आगे कुछ भी नहीं कह सकी। झुककर बेटी को चूमा और बिना मुड़े लंबी लंबी डगे भरती पगडंडी उतर गई। तो ये आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी मौसी, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।